हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम जे मेन्स 2021, और ये प्रॉब्लम है पैरल प्लेट कैपेसिटर से। सो वी हैव अ पैरल प्लेट कैपेसिटर एंड वी वांट टू चेंज द पैरल प्लेट कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस हमें चेंज करनी है। अ डायलेक्ट्रिक ऑफ मटेरियल डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज यूज फॉर दैट विच हैज़ सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। थिकनेस ऑफ दैट डायलेक्ट्रिक स्लैब इज 3D/4, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरल प्लेट कैपेसिटर। Find the new capacitance C dash in terms of original capacitance C naught, which is given by the following relation. So students, for a parallel plate capacitor, we know that capacitance is equal to epsilon naught A upon D, because A is the area there and D is the separation between the plates, और उसे denote किया गया है C naught के साथ. So that is basically the original capacitance C naught. C naught is equal to epsilon naught A by D. Now to change the capacitance, we insert some dielectric material there. ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैपिटल के, और जो नई कैपेसिटी आएगी हमारे पास उसे हमें सी नॉट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सो जब भी किसी डायलेक्ट्रिक में किसी कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है, जो कैपेसिटी आती है उसका रिलेशन कुछ इस तरह से है। सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक विच वी इंसर्टेड, प्लस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल के। कैपिटल के इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो ये सी डैश का रिलेशन है जब नई कैपेसिटी आती है, जब हम एक डायलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में इंसर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस जो डायलेक्ट्रिक हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं उसका जो थिकनेस है वो है 3D/4। तो यहाँ टी की जगह हम लिखेंगे 3D/4 प्लस, अगेन इट इज़ लाइक 3D/4 साथ में है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, वी टेक द एलसीएम देयर, सो वी गेट 4D-3D/4 प्लस 3D/4 कैपिटल के। सो देन स्टूडेंट्स, वी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, और ये कुछ इस तरह से बनेगा, सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए एंड इट इज D/4 प्लस 3D/4 के। सो वी टेक द एल्शियम देयर एंड इट इज़ लाइक 4K, और यहाँ आ जाएगा डी के प्लस 3D एंड इट इज़ लाइक एप्सल नॉट ए इंटू 4K डिवाइडेड बाय, वी टेक द डी एज कॉमन एंड के प्लस 3। सो ये जो है सी डैश का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, बट हमें सी डैश को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सी नॉट। सी नॉट का एक्सप्रेशन हमने स्टार्टिंग में लिखा था, दैट वाज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सो बेसिकली ये जो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है इसको हम लिख देंगे सी नॉट, बिकॉज इट इज सी नॉट। सो आंसर इज सी नॉट इनटू 4K डिवाइडेड बाय के प्लस 3। सो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है सी नॉट 4K अपॉन के प्लस 3। सो दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया, एंड आंसर इज सी नॉट 4K अपॉन के प्लस 3। सो दिस इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सो डी ऑप्शन जो है उसका सही आंसर है 4K सी नॉट अपॉन के प्लस 3। थैंक यू।